गहना वशिष्ठ और आज हम लोग शूट कर रहे हैं एक म्यूजिक वीडियो का। हम लोग शूट कर रहे हैं कांदीवली इलाके के एक डेस्क में, क्योंकि इट्स अ पार्टी नंबर एंड आई एम श्योर कि ये गाना इस साल का बहुत बड़ा हिट सॉन्ग होगा। कहाँ कहाँ नहीं, सिर्फ डेस्क में ही शूट किया जाएगा एंड मोस्टली हम लोग 3 दिन शूट करेंगे। आज हम लोग का फर्स्ट डे है, कल और परसों अगेन वी आर शूटिंग। इस गाने को के जो डायरेक्टर हैं वो है नितीश चंद्रा, वही डायरेक्टर है, वही डीओपी भी हैं। इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो है इमरान, जो मेरे साथ को एक्टर है पंकज शर्मा। पंकज शर्मा को आपने मेरे साथ पहले भी देखा होगा तू ज़रूरत है सॉन्ग में, और नितीश चंद्रा तो मेरे साथ हर जगह रिपीट होता है। हाँ, अभी रिसेंटली मैंने दीपक पांडे की एक वेब सीरीज़ की है, मेरे ऑपोजिट में विवान भतेना और अमित बहल जी हैं, जो कि उल्लू ऐप के लिए है। और मैंने अभी एक और फिल्म कंप्लीट की है नवीन बत्रा की, सो काफ़ी अच्छी फिल्म है एंड आई मस्ट से कि इट्स गोइंग टू बी बिग, क्योंकि सारे स्टार कास्ट बड़ी है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप छोटे शहर से आते हो और आपके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता तो आपको ऐसा लगता है यार जो मिल रहा है बस मिल जाए। मैं एक दो कुछ न्यूज़ में फंस गई थी, उसके बाद मुझे तेलुगु की फिल्म्स मिलने स्टार्ट हुई। मैंने तेलुगु की 19 फिल्में की हैं और तमिल की मैंने 5 फिल्में की, सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बिगिनिंग में ऐसा लगता था कि लैंग्वेज एक बैरियर है, बट बाद में आपको एहसास होता है यार कि यही काम है और ये जो मिल रहा है ये आपकी किस्मत है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है मुझे एंड मैं दिल से कर रही हूँ, एंड आज नहीं तो कल, मे बी 6 महीने बाद 8 महीने बाद कोई एक बड़ी फिल्म मिल जाएगी, सो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ उस चीज़ के लिए। एक बात कही जाती है कि जिस जगह पर आप हैं आपको उसका रूप अपना लेना चाहिए, सो हमारे बॉलीवुड में जो मिला वो कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में आज बोल्डनेस की डिमांड है, आज चाहे वेब सीरीज़ देख लो, फिल्म्स देख लो, म्यूज़िक वीडियोस देख लो, एंड मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोल्ड होंगे तभी काम मिलेगा, सो मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, अरे कुछ तो हो यार दिखाने के लिए। एक बात मुझे बताओ, अगर आपको लोग फिल्में क्यों देखने आएंगे,
सीरियल में सब कुछ मिल जाता है, फिल्म में कुछ तो मिलना चाहिए उन्हें देखने के लिए, इसीलिए मैं बोल्ड हूँ। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिला जैसे अभी वेब सीरीज आई गंदी बात और बहुत तरह की वेब सीरीज आई है, तो मुझे गंदी बात जो सीरीज़ है वो ऑफ़र हुई थी, मुझे सचिन मोहिते ने दोनों सीज़न ऑफ़र किए थे, फर्स्ट सीज़न भी सेकंड सीज़न भी, बट मैं इतना बोल्ड नहीं करना चाहूँगी। मुझे कल भी एक वेब सीरीज़ ऑफ़र हुई थी, उसमें टॉपलेस सीन था। फॉर मी एक्सपोज मतलब मैक्स टू मैक्स बिकिनी एंड बेड सीन्स, दैट्स इट। मैं टॉपलेस नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि आगे चल के मुझे किसी न किसी तो शादी करनी है यार, उसके पेरेंट्स को मुँह कैसे दिखाऊँगी। मैं बस ये कहना चाहूँगी हम आर्टिस्ट बहुत मेहनत करते हैं, हर रोज़ मेहनत करते हैं, हमारी लाइन बहुत अनसर्टेन है। आपको याद है हम लोगों ने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, आई मस्ट से वो इसी इंडस्ट्री के लिए बना था। सो प्लीज़ आप हम लोग को सपोर्ट करिए, और बिना आप लोग के सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो कीप सपोर्टिंग अस और मेरे गाने को बहुत हिट कर दीजिए, थैंक यू। मेरी फैमिली एकदम खुश है मेरे साथ, उनका कहना है कि उनकी वजह से मैं बनी और आज मेरी वजह से उनको सब लोग जानने लग गए हैं। सो मुझ पे हर कोई प्राउड करता है आज की डेट में, एंड इवन मेरे जो एरिया के लोग हैं हर कोई मेरे पेरेंट्स से मेरा नंबर लेकर कहते हैं कि हमें वन्ना दीदी से मिलने जाना है, वन्ना से मिलने जाना है, कुछ कॉन्टैक्ट्स मिल जाएँ। सो आज मैं उन सब के लिए एक आदर्श जैसी हूँ। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भी सपना है तो पूरा कर लो, क्योंकि एक आप ही हो जो उसे पूरा कर सकते हो, आपके लिए कोई पूरा नहीं करेगा, आपके माँ बाप भी नहीं। थैंक यू।